दोस्तों, एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से 12th पास के लिए वैकेंसी निकली हुई है दोस्तों, केबिन क्रू में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, मैं उसी के वेबसाइट उसी का नोटिफिकेशन डाउनलोड करके बता रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 86 पोस्ट है दोस्तों। यहाँ पे जो आपका क्वालिफिकेशन चाहिए, यहाँ पे 12th पास होना चाहिए, कोई भी यूनिवर्सिटी से भारत का, इंडिया का होना चाहिए दोस्तों। इसमें एज लिमिट 18 से 22 साल दिया गया, और जानते हैं ST SC में 3 साल और ST SC में 5 साल और OBC में 3 साल का छूट दिया जाता है। और यहाँ पे आपका हाइट 165 सेंटीमीटर मेल के लिए मांगा गया है, 5 फीट 5 इंच, और BMI होता 18 से 25 होना चाहिए, और फीमेल के लिए इतना 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, 5 फीट 2 इंच होना चाहिए, और BMI 18 से 22 होना चाहिए। और यहाँ पे आप BMI कैलकुलेट कर सकते हैं अपने वेट 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 और हाइट ऑफ मीटर एंड हाइट हाइट इन मीटर के हिसाब से तो कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आपको जो विजन देखना हो, विजन आपका देखा जाएगा, मतलब मेडिकल के लिए इस तरह से कि आप चश्मा वगैरह लगाते हैं कि नहीं, ये वगैरह देखा जाएगा कि आपका कितना देखने की पावर वगैरह है, ये सब चेक किया जाएगा। और आपका स्पीच लेवल भी अच्छा होना चाहिए दोस्तों, आपका मतलब हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर बोलना होगा, से हिंदी हिंदी और इंग्लिश में आपका कमांड होना चाहिए, तभी आप इसके लिए अप्लाई कीजिए। इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और प्रिफ्रेंस उसी को दिया जाएगा दोस्तों जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा ले रखा है होटल मैनेजमेंट से, या फिर आपके पास केबिन क्रियो का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है, या फिर आप कोई कोर्स कर रखे हैं, ये केबिन क्रियो या एयर इंडिया में कोई कोर्स कर रखे हैं, तो उन्हीं को प्रिफ्रेंस दिया जाएगा दोस्तों। इसमें अदर रिक्वायरमेंट मांगा गया दोस्तों, मतलब कि आपका करेक्टर अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन होगा, कोई रिटन टेस्ट नहीं होगा, आपका ग्रुप डिस्कशन, आप पर्सनल इंटरव्यू होगा, मेडिकल एग्जाम होगा दोस्तों। मेडिकल एग्जाम के लिए आपको 2000 से 3000 रुपया पे करना होगा। आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, आपको करियर पेज में जाना होगा, www.airindiaexpress.in का करियर पेज पर जाके आप वहाँ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आप देख सकते हैं और क्या क्या आपको मांगा जाएगा। 500 रुपये आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड मुंबई के नाम से दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारा कुछ दिया गया है डिटेल। इसका जो स्टार्टिंग डेट है दोस्तों, 12 दिसंबर 2018 की स्टार्ट हो गया, और लास्ट डेट 1 जनवरी 2019। से ज़्यादा टाइम नहीं है दोस्तों, जल्दी से आप ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिए दोस्तों। और ये कंडीशन भी पढ़ लीजिए, आगे मैं बता देता हूँ दोस्तों क्या क्या चाहिए। यहाँ पे आपको बोला गया दोस्तों, अगर महिलाएं अगर इंटरव्यू के लिए जाती है तो उन्हें साड़ी पहनना होगा दोस्तों, साड़ी पहन के जाना होगा, और पुरुषों के लिए नॉर्मल ड्रेस पहन के जाना होगा। यहाँ पे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम होगा दोस्तों। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, आपको 10000 रुपया स्टाइपेंड मिलेगा दोस्तों ट्रेनिंग के दौरान, और ट्रेनिंग के बाद आपको 36630 रुपया मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जल्दी जल्दी पढ़ के दिखा दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे गोल करके भी दिखा दिया, इस तरह से आपको दिया जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं, साड़ी फॉर फीमेल कैंडिडेट एंड फॉर्मल अटायर फॉर मेल कैंडिडेट यहाँ पे। और OBC कैंडिडेट है आपको, अगर OBC कैंडिडेट है तो नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट बनाना होगा दोस्तों, और ST SC वगैरह को भी बनाना होगा, अपना कास्ट सर्टिफिकेट अटैच करना होगा, अपना ले जाना होगा वहाँ, ग्रुप डिस्कशन होगा वहाँ पे। और मैं इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन और पढ़ के दिखा देता हूँ दोस्तों, आपके लिए बहुत ज़रूरी है, एक मिनट लाइन लाइन पे रहिए दोस्तों, मैं और पढ़ के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, आपका जो ज्वाइनिंग से पहले आपको 1,05,000 रुपया जमा करना होगा दोस्तों, बैंक के नाम पे जमा करना होगा, एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड के हिसाब से जमा करना होगा। 15,000 रुपया आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी जमा करना होगा, यूनिफॉर्म और ट्रेनिंग मटेरियल वगैरह के लिए फॉर 5 साल के लिए दोस्तों। अगर आप बीच में ट्रेनिंग पीरियड के दौरान अगर छोड़ देते हैं तो आप जो जमा किया सिक्योरिटी मनी वो आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आप समझ लीजिए, आप समझ बूझ के इसको अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके वेबसाइट में विजिट करके। तो आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। तो दोस्तों, हंसते रहिए और हंसाते रहिए, और डेली हमारा वीडियो सुबह 6 से लेकर 9 बजे के बीच पाते रहिए। तो जय हिंद।